अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल महरूम, जिसकी आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि निगहत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। जोया से कहती भी है कि मुझे डॉक्टर पर ले जाओ, लेकिन जोया शॉपिंग का कहकर चली जाती है और कहती है कि आज तो शॉपिंग पे जाऊंगी। जो लड़की अपनी माँ की नहीं बन पा रही, क्या वो उमैर की बन पाएगी? खैर, ये बात तो हम यहीं पे छोड़ते हैं। हम अपना टॉपिक लेके जाते हैं जायरा पे। जायरा उस मीटिंग पर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन नसरीन के इसरार पर वहाँ पर चली गई। और जाते ही सामना हो जाता है मीर जाहिद और उमैर से। दोनों जब आमने सामने बैठते हैं, कोटेशंस पढ़ती हैं, तो जायरा की कोटेशन के बारे में उमैर बात करना शुरू कर देता है कि इनकी ये तो उनकी वो, जिस पर जायरा कहती है कि हम कोई सड़क छाप कंपनी नहीं, या ऐसे हम घरों से उठकर नहीं आ गए, हमने कोटेशन बिल्कुल सही फाइल की है और हम इसको बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे भी। जबकि उमैर को ऐसे जायरा का बोलना और बात करना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, और जब वो बात करने लगता है तो जायरा आगे से वैसे ही जवाब देती है। इतने गुस्से में उमैर बाहर आ जाता है और अपने बाप से कहता है कि ये कौन सी कंपनी हो गई, हमें ये कंपनी अभी बंद करवानी है, क्योंकि ये मेडिसिन तो हम हर जगह पर सप्लाई करते हैं और मैं नहीं चाहता कि आप ये काम जायरा की कंपनी करें। जब जफ़र के साथ जायरा वापस आ रही होती है, तो तब जफ़र कहता है कि मैं मीर जाहिद को जानता हूँ, जिस पर जायरा कहती है कि हाँ, उमैर नसरीन आंटी का बेटा है और नसरीन ने ही मीर जाहिद को खड़ा किया। नसरीन का नाम सुनकर तो जफ़र चौंक जाता है और कहता है जो मीर साहब की बेटी थी। तो जायरा ने कहा जी, वही मेरी सास हैं, वही मेरे साथ रहती हैं और वही उमैर की माँ हैं। अब तो जफ़र बेताब होना शुरू हो गया नसरीन से मिलने के लिए। जैसे ही घर गया जायरा को छोड़ने, तो सामने ही नसरीन खड़ी थी। नसरीन और जफ़र एक दूसरे को देखते ही रहे। क्या जायरा को यह हकीकत पता चल पाएगी? ये देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, टेक केयर।